जो हम दूसरों को देंगे वो लौट कर सभी को मिलता है तुझ समेत। ये सच्चाई है जीवन की बहुत बड़ी, और चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा हो। अब आप समझ लो आपको क्या चाहिए इन फ्यूचर। अगर आप किसी को आज कुछ दे रहे हैं तो वो कल आपको मिलेगा, ये 100% उसके द्वारा ना मिले लेकिन किसी के द्वारा जरूर आपको मिलेगा जो आप किसी को दे रहे हैं। तो आप कुछ भी किसी को दर्द देने से पहले 1000 बार आप सोच लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोलूंगा आपको कल पहला पार्ट जो है वो मिला होगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, ट्रिगो का, त्रिकोणमिति का पहला पार्ट। आज दूसरा पार्ट आने वाला है, आज 19 तारीख है, आज आपको दूसरा पार्ट मिलने वाला है शाम को 4 बजे। और आज के वीडियो में ना जो आपका रहता है ना ग्राफ जिसमें आप टेबल याद करते हैं, मान कि 50 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का साइन, वो सब मैंने बच्चों की तरह समझा दिया है। शाम को 4 बजे वाले क्लास में आपको मिल जाएगा आज। और करेंट अफेयर वाला क्लास भी आपको मिल ही रहा होगा, रात को 11:30 बजे वाला कल मिला था तो आज भी आपको मिलेगा। और आज कवर करेंगे हम 19 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ। उसके पहले बोलूंगा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और वहां से अगर 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा ताकि आप जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो निम्नलिखित एप्स में से असुरक्षित है। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूं, आप सभी को पता है जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, हमारे भारत में ही ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर कोई भी, अब तो बच्चे स्कूल जा सकते नहीं लेकिन घर से जो है वह जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं इसका यूज कर। लेकिन एक डाटा में यह निकल कर आया है कि यह सेफ नहीं है। अगर मान लो किसी के साथ हम अपना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको भी लीक किया जा सकता है, उसमें कोई थर्ड पर्सन भी आकर जो है वो उस क्लास को देख सकता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये जारी किया गया है कि जो बहुत भारी मात्रा में अभी भारत में यूज किया जा रहा है लॉकडाउन के समय, यह सेफ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा एप्लीकेशन है जो मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। यहां पर क्या बोल रहा है, दुनिया का पहला ऐप बन गया है जो 13 दिन में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड हुआ है, वो एप्लीकेशन कौन सा है, तो आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर आपका डी। थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, आप सभी को पता है ना COVID-19 के लिए ये लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि आपके अगल बगल कौन लोग पॉजिटिव है उसका जो है वो पता लगा पाए इस ये एप्लीकेशन। लेकिन ये तब भी पॉसिबल है अगर वो इंसान अपने फोन में ये एप्लीकेशन रखा है और ब्लूटूथ को ऑन किया है, तभी आप पता लगा पाओगे, एक कंडीशन ये भी है। और कितना डाउनलोड हुआ है भैया, तो 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड हुआ है। 50 मिलियन को अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो 5 करोड़, यानी 13 दिन में 5 करोड़ लोगों ने इस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड किया है और एक नया इतिहास रच दिया है। आज तक इससे पहले इतने कम दिनों में इतना डाउनलोड होने वाला कोई एप्लीकेशन नहीं था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 29 अगस्त 2020 को निम्न में से किस घटना के लिए फिर से निर्धारित किया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया आईपीएल क्या, नहीं आईपीएल आंसर नहीं है, हालांकि बीसीसीआई ने बोल दिया है कि अभी आईपीएल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी होगा तो आपको नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा है, तो वो है आपका 2D France, ऑप्शन नंबर डी। अब ये भैया कौन सा गेम है, तो यह जो है ना वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा साइकिल रेसिंग गेम है, साइकिल चलाने वाला सबसे बड़ा रेस का गेम है ये, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
पर्यटन मंत्रालय यानी टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक नई वेबिनार सीरीज शुरू की है। इसे क्या कहा जाता है? पहले तो आप ये सुनो कि पर्यटन मंत्रालय जो है वो किसके पास है। तो उसके मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास है अभी ये मंत्रालय। इन्होंने क्या किया है, एक नया वेब सीरीज शुरू किया है जिसको नाम दिया गया है देखो अपना देश, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब ये क्या है भैया, एक नया वेब सीरीज शुरू किया गया। इसके माध्यम से क्या होगा, भारत में जो जो प्रसिद्ध जगह है, फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, उसको यहां पर दिखाया जाएगा इस वेब सीरीज में। इंडिया का कल्चर क्या है, संस्कार क्या है, वो सब चीज भी जो है इस एप्लीकेशन में आपको देखने को, इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, जिसको नाम क्या दिया गया है, देखो अपना देश। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आरोप लगाया है कि किस देश ने गुप्त तरीके से निम्न स्तरीय भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट किया है। और हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी इतना ट्रेंड कर रहा है और सभी जान गए कि अभी चाइना ने जो है ना, अभी COVID-19 इतना बुरी तरह से फैला हुआ है, इंसान इसी से पागल है अभी, और उसके ऊपर से नया परमाणु परीक्षण किया गया है चीन के द्वारा, और इसका खुलासा किया है अमेरिका ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्वास्थ्य मंत्रालय, अच्छा अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो सभी को पता है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के COVID-19 प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्र पोलियो निगरानी नेटवर्क संकलन करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है, संलग्न करने के लिए, और यह किया गया है डील WHO के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। बिल्कुल, और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है WHO के अध्यक्ष कौन है, पहला प्रश्न यह बताना है। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, WHO का गठन कब हुआ था, तीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी सुन लो WHO को लेकर, WHO ने कितना पैसा जो दिया है COVID-19 से लड़ने के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक ने $14 बिलियन दिया है, तो WHO ने कितना पैसा दिया है COVID-19 के से लड़ने के लिए, ये चार चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, WHO का हेडक्वार्टर, दूसरा इसका गठन कब हुआ था, तीसरा इसके अध्यक्ष कौन है, चौथा COVID-19 से लड़ने के लिए इसने कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, RBI ने रिजर्व रिपो रेट को कितने आधार अंक से घटा दिया है। आप सभी को पता है ना, रिपो रेट हो या फिर रिजर्व रिपो रेट हो, वो बेसिस के ऊपर ही घटता है। अगर मान लो अगर 1% घटा दूं ना, तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए 100 बेसिस पॉइंट पर, 100 के ऊपर इसको तोड़ा गया है। तो अभी मैं बता दूं कितना घटाया गया है, तो अभी जो घटाया गया है वो घटाया गया 25 बेसिस पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा भैया अभी रिजर्व रिपो रेट कितना है, ये बता दो हमें, तो डाटा याद रखिएगा, अभी वर्तमान में है 3.75% रिजर्व रिपो रेट। ठीक है, अब रिपो रेट कितना है भैया वो भी बता दो, तो रिपो रेट जो है अभी वर्तमान में वो चल रहा है आपका 4.40%। ठीक है, याद रहेगा दोनों ना। और RBI के जो गवर्नर है उनका नाम तो सभी को पता है, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कृषि मंत्रालय ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। अभी वर्तमान में कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और उस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिल्ली सरकार ने COVID-19 वायरस से लड़ने के लिए कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और उस एप्लीकेशन का नाम है SS कोरोना, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व वन जीव निधि यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर, और 5 बार विश्व विजेता, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके विश्वनाथ आनंद को जो है वो एम्बेसडर बनाया गया है भारत के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ठीक है, याद रहेगा ना ये क्या खेलते हैं? मैंने बोला वर्ल्ड चैंपियन मतलब क्या, चेस खेलते हैं ये, शतरंज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप यानी कौन सा कंटिनेंट है जो इस साल 3 लाख COVID-19 मौत देख सकता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया यूरोप क्या, नहीं अफ्रीका की बात की गई है, यानी अभी COVID-19 का प्रकोप बहुत बुरी तरह से अभी अपना रंग और दिखाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के शोध संस्थान ने कम लागत वाली COVID-19 डायग्नोस्टिक्स किट जिसका नाम यहां पर जेने हो गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, चित्रा जीन, ठीक है, लैंप एंड विकसित की है, और यह किया गया है आपका केरला के द्वारा, और केरला पूरे देश में, अपने पूरे देश में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है जो COVID-19 से बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रहा है, तो वो है आपका केरल, अब मानो या ना मानो। अब डाटा देख लेना कितना जल्दी रिकवर्ड हो रहे हैं वहां से लोग, केस बहुत ना के बराबर आ रहा है, और जबकि सबसे स्टार्टिंग में साउथ में से यहां से केस बहुत ज्यादा आ रहे थे। और केरला के सीएम कौन है, पिनाराय विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और अगर बात करूं राजधानी तो क्या है वो आप बोलेंगे, तिरुवनंतपुरम। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 19 अप्रैल का, इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, और आज शाम को 4 बजे लल्लन टॉप वीडियो, सुपर वीडियो आपको मिलने वाला ट्रिग्नोमेट्री का Part 2। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।